तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम जेब्लॉन्स्की डायग्राम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, फोटोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको जो है वो मिल जाएगा नोट्स फर्स्ट पार्ट, तो उसे जरूर देखें। देन सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर इंटरनल कन्वर्जन क्या है, इंटरक्रॉसिंग सिस्टम क्या है, पूरे जेब्लॉन्स्की डायग्राम के बारे में जो है वो हम अच्छे से समझेंगे। और मेन जो हमारा आज का टॉपिक जो फोकस मेरा होगा वो है फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस, मतलब स्फुट दीप्ति और प्रतिदीप्ति क्या होता है, वो चीज हम जो है वो ज्यादा डिस्कस करेंगे और जेब्लॉन्स्की डायग्राम भी देखेंगे। तो जेब्लॉन्स्की डायग्राम हम जो है वो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल जब रेडिएशन को अपने अंदर अवशोषित करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस आता है, उनके ट्रांजिशन में कैसा कैसा, मतलब कैसा कैसा उनमें ट्रांजिशन होता है, कैसा कैसा उनमें परिवर्तन होता है, वो सब चीज को हम जो है वो जेब्लॉन्स्की डायग्राम में जो है वो दिखाते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा जेब्लॉन्स्की डायग्राम का मैंने डेफिनेशन भी बताया हुआ है। जेब्लॉन्स्की डायग्राम किसी मॉलिक्यूल के द्वारा रेडिएशन को अवशोषित करने पर होने वाले परिवर्तन और संक्रमण को जो है वो व्यक्त करता है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1, S2, S3 और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1, T2, T3 के बारे में अच्छे से देखा हुआ है। और ये जो सबसे नीचे हमारा जो है वो ग्राउंड स्टेट है, मतलब मूल अवस्था है। अब हम जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, वो अगर मैं कहूं कि हमारा मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, मतलब S0 में है, तो आप क्या समझोगे कि वो मॉलिक्यूल अपनी मूल अवस्था में है, मतलब अभी तक वो मॉलिक्यूल कोई रेडिएशन को अपने अंदर अवशोषित नहीं किए हुए हैं। और अगर वो मॉलिक्यूल किसी रेडिएशन को अवशोषित नहीं किए हुए हैं तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगा, इसलिए वो सबसे जो है वो लो एनर्जी लेवल में है, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर में है। क्योंकि हमें पता है कि हम आरेख में जब ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो हमारे ऊर्जा का स्तर या एनर्जी का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अगर मैं ग्राउंड स्टेट बोल रही हूँ तो इसका मतलब है निम्न ऊर्जा स्तर या लो एनर्जी लेवल। अगर मैं ऊपर जाते जाऊंगी तो हमें जो है वो हाई एनर्जी लेवल जो है वो मिलते जाएगा, मतलब जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूल क्या है ऊपर की ओर जाते जाएगा, वो मॉलिक्यूल जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर में जो है वो पहुंचते जाएगा। बट हमारे पास जो मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है वो अभी ग्राउंड स्टेट में है, मतलब वो अभी लो एनर्जी लेवल में है। लेकिन जैसे मैं इस मॉलिक्यूल को रेडिएशन देती हूँ या फिर वो रेडिएशन को जो है वो अपने अंदर अवशोषित करते हैं, क्या होगा, उन्हें जो है वो फोटोन के द्वारा एनर्जी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एब्जॉर्प्शन करके लिखा हुआ है, तो पहला आप एब्जॉर्प्शन का मतलब समझिए, अवशोषण मतलब क्या हो रहा है, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है वो रेडिएशन को अपने अंदर अवशोषित कर रहे हैं, मीन्स रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जैसे वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उन्हें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। तो जब उस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलता है वो अब धीरे धीरे उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जो है वो जाने लगता है। क्लियर हुआ, मतलब वो S1, S2, S3 स्टेट में जो है वो धीरे धीरे जाने लगता है। यहां तक क्लियर हुआ, हमारा मॉलिक्यूल है उन्होंने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन, तो वो हमारा मॉलिक्यूल या तो S1 में या तो S2 में या तो S3 लेवल में, मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जो है वो यहां तक चला गया। अब देखिए अब क्या होगा, हमारा जो मॉलिक्यूल है जो कि अब एक्साइटेड हो चुके हैं क्योंकि वो क्या हुआ, उन्हें एनर्जी मिला है, तो वो क्या होंगे, अब उत्तेजित हो चुके हैं, एक्साइटेड हो चुके हैं। तो जैसे हमारा मॉलिक्यूल इस S3 लेवल पे आता है तब क्या होगा, वहां पे उसे और भी मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि केवल सिंगल मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे, कोई भी आपके पास केमिकल होगा उसमें काफी सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो केवल एक ही मॉलिक्यूल तो ऊपर नहीं पहुंचेगा, साथ में बहुत सारे मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, ऊपर पहुंचेंगे, हाई एनर्जी लेवल में पहुंचेंगे। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल हाई एनर्जी लेवल में पहुंचते हैं वे आपस में जो है वो टकराने लगते हैं। अब हमारे पास अगर एक ही रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वहां पे क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो अब क्या होगा, वहां पे मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से टकराएंगे और इसी टक्कर के कारण वहां पे क्या होगा, एनर्जी का जो है वो लॉस होगा, मतलब वहां से ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होगा, मतलब वहां से जो ये कहें कि वहां से ऊष्मा उत्पन्न होगा या हीट रिलीज होगा वहां पे। क्लियर हुआ, यहाँ पे इंटरनल कन्वर्जन हम इसी को ही कहते हैं, यहाँ पे हमारा कोई रेडिएशन उत्पन्न नहीं होगा, जब मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे
तो उनका एनर्जी लॉस होगा, लेकिन वो एक उष्मा के रूप में, हीट के रूप में होगा, लेकिन वहां से रेडिएशन जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, और इसे ही हम जो है वो इंटरनल कन्वर्जन या फिर आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और इस इंटरनल कन्वर्जन में मेन चीज क्या होता है, मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल S3 लेवल में पहुंचा हुआ है, S3 यहां इस पॉइंट में पहुंचा हुआ है, जैसे उसमें आंतरिक परिवर्तन होता है, इंटरनल कन्वर्जन होता है, मैंने बताया ना क्या होता है, वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं, आपस में टकराते हैं, तो इंटरनल कन्वर्जन होने के बाद वो क्या होते हैं, फिर से लो एनर्जी लेवल में आ जाते हैं, मीन्स एक स्टेप जो है वो नीचे गिर जाते हैं, मतलब S3 से क्या होते हैं, वो S2 में पहुंच जाते हैं। S2 में आने के बाद फिर से वही इंटरनल कन्वर्जन होगा और वो S2 से फिर क्या होता है, S1 में पहुंच जाते हैं। मतलब यहां से हमारा मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हाई लेवल में तो गया, लेकिन हाई लेवल में जाने के बाद वहां पे क्या हुआ, इंटरनल कन्वर्जन हुआ, और इंटरनल कन्वर्जन के चलते वहां पे उष्मा भी उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वहां से एनर्जी हमारा फिर से कम हुआ और S3 से S2 में, देन S2 से S1 में जो हमारा मॉलिक्यूल है वो आ गया। समझ आएगा इस आप लोगों को? तो ये होता है, तीन चीजें आप लोग समझ गए यहाँ पे, पहला तो एब्जॉर्प्शन समझ गए, दूसरा आप इंटरनल कन्वर्जन समझ गए। अब चलिए इसी को मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, नोट्स में बताती हूँ। आपके बेसिक सेकंड ईयर के बुक में ये सब चीज जो है वो नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, हो सके तो आप अपने एग्जाम में लिख लेना, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि इंटरनल कन्वर्जन आखिर होता क्या है। बीएससी थर्ड ईयर में ये टॉपिक अच्छे से दिया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लिख लीजिए आंतरिक परिवर्तन के बारे में, जो मैंने बताया वही है और कुछ भी नहीं है। जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होकर के उत्तेजित होकर के एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं, मैंने कहा था ना कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट में है, जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, एक्साइटेड होगा और वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, तुरंत ही वह मॉलिक्यूल टक्कर खाकर कुछ एनर्जी जो है वो खो देते हैं और S1 या ST1 पर जो है वो वापस लौट आते हैं, जिसे रेडिएशन लेस ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये ट्रांजिशन हमारा क्या कहलाता है, रेडिएशन लेस। रेडिएशन लेस क्यों कहलाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब यहां पे एनर्जी लॉस होगा तो वहां से कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा, वहां से कोई विकिरण नहीं निकलेगा, वहां पे मे भी वहां पे हीट निकल जाए, लेकिन यहाँ पे कोई रेडिएशन का लॉस नहीं होगा, इसलिए इसे हम जो है वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन कहते हैं या विकिरण रहित संक्रमण कहते हैं। तो अगर आंतरिक परिवर्तन आप अच्छे से लिख लोगे आपकी जेब्लॉन्स्की डायग्राम में, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम जो है वो इंटर क्रॉसिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बारे में देखते हैं, क्या होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। सेकंड नंबर का पॉइंट आप डालिए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो नोट्स के थ्रू बताती हूँ, मॉलिक्यूल दूसरी तरह से भी एनर्जी खोता है, इसे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें S2 से T2 एवं S1 से T1 ट्रांजिशन होता है, जिसमें कुछ एनर्जी ट्रिपलेट स्टेट को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, इंटरनल कन्वर्जन तो आपको अच्छे समझ में आ गया, बात करते हैं इंटर क्रॉसिंग सिस्टम की, आखिर ये क्या होता है। यहाँ पे जो हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की ओर होगा। क्लियर हुआ? अभी तक मैंने आप लोगों को जो इंटरनल कन्वर्जन का जो ट्रांजिशन मैंने बताया, उसमें मैंने क्या बताया था, S3 से S2 में हो रहा है, देन S2 से S1 में हो रहा है। बट यहाँ पे जो हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा वो क्या होगा, सिंगलेट से लेकर के ट्रिपलेट की ओर होगा। मतलब देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा वो S2 से T2 की ओर होगा। मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, S2 से इनका जो ट्रांजिशन है वो T2 की ओर होगा, और यहाँ पे भी S1 से जो है वो इसका ट्रांजिशन जो है वो T1 की ओर होगा। यहाँ पे ये जो हमारा प्रोसेस होगा उसे हम ये कहते हैं कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन जो है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड की ओर हो रहा है। क्लियर हुआ? तो एक चीज और कहना चाहती हूँ, यहाँ पे भी हमारा कोई रेडिएशन लॉस नहीं होगा, रेडिएशन यहाँ से नहीं निकलेगा, हो सकता है उष्मा यहाँ से उत्पन्न हो जाए इस प्रोसेस में, तो इसे भी हम जो है वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन कहते हैं। तो नोट्स आप लिख लीजिए, बहुत ईजी है। क्लियर हुआ क्या कहा मैंने, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहाँ कहाँ से हो रहा है, S2 से T2 की ओर एंड S1 से T1 की ओर। तो लिख लीजिए आप इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। मॉलिक्यूल दूसरी प्रकार से भी एनर्जी खोता है, इसे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें S2 से T2 एवं S1 से T1 ट्रांजिशन होता है, जिससे कुछ एनर्जी
ट्रिपलेट स्टेट को प्राप्त हो जाती है। ये ट्रांजिशन हीट उत्पन्न करते हैं लेकिन रेडिएशन नहीं। ये ट्रांजिशन वेरी स्लो होते हैं। सिंगलेट से ट्रिपलेट में इनका ट्रांजिशन होता है। समझ आए आप लोगों को कहां से कहां हो रहा है? सिंगलेट से ट्रिपलेट की ओर इनका ट्रांजिशन जो है वो हो रहा है। तो इतना समझ आ गया आप लोगों को इंटरनल कन्वर्जन क्या है और इंटरक्रॉसिंग सिस्टम क्या है। अब हम जो है वो फ्लोरेसेंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लोरेसेंस, जिसे हम जो है वो प्रतिदीप्ति भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, केवल प्रतिदीप्ति करके आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जब तक आप लोगों को जेब्लॉन्स्की डायग्राम ही समझ नहीं आएगा, तब तक आप कैसे जानोगे कि फ्लोरेसेंस जो है वो क्या होता है? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए, जब मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन S1 से S0 पर हो तो इस ट्रांजिशन में मॉलिक्यूल रेडिएशन उत्सर्जित करता है, इसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब देखिए, फ्लोरेसेंस में आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा मॉलिक्यूल S0 में है, वो जैसे रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वापिस क्या होते हैं, S1 से जो है वो वापिस जो है वो S0 में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल क्या हुआ, रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। पहले हमारा मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड हुआ, S0 से वो S1 में गया, लेकिन वहां से फिर से वो जो है वो S0 में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन होगा वो S1 से S0 में होगा। यहाँ पे मैंने देखा लिखाया हुआ है S1 से S0 में इसका ट्रांजिशन हो रहा है। जब ये ट्रांजिशन होता है, यहाँ से जो है वो रेडिएशन उत्पन्न होता है। अभी तक आप लोगों ने जो इंटरनल कन्वर्जन और इंटरक्रॉसिंग सिस्टम में पढ़ा हुआ था कि यहाँ से कोई भी रेडिएशन जो है वो नहीं निकल रहा था, इसे हम रेडिएशन लेस ट्रांजिशन कहते हैं या विकिरण रहित संक्रमण कहते हैं। बट ये जो मैं फ्लोरोसेंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वहां पे आपका रेडिएशन जो है वो निकलेगा, तो इसे जो है वो हम ये कहते हैं कि इस ट्रांजिशन में जो है वो रेडिएशन निकलता है और इसे ही हम जो है वो फ्लोरेसेंस कहते हैं। एक आसान सा और अगर मैं आपको डेफिनेशन बता दूं तो परमाणुओं या अणुओं जो कि रेडिएशन के अवशोषण से एक्साइटेड है के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन ही प्रतिदीप्ति कहलाता है। तो यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, मतलब आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ से जो प्रकाश को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस रेडिएशन को, जिस लाइट को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा मॉलिक्यूल, वो फिर से ट्रांजिशन के थ्रू जो है वो अपने रेडिएशन को जो है वो रिलीज कर रहे हैं। मतलब वहां से जो है वो विकिरण जो है वो उत्सर्जित हो रहा है, रेडिएशन जो है वो रिलीज हो रहा है, तो इसे हम जो है वो फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्लियर हुआ गाइज आपको इसका डेफिनेशन? बहुत ही ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। अब देखिए आगे देखिए, एवं इस प्रकार के पदार्थों को प्रतिदीप्ति पदार्थ फ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहा जाता है। तो जो पदार्थ इस प्रकार का बिहेवियर दर्शाते हैं उसे हम जो है वो प्रतिदीप्ति पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है क्लोरेसिन, एनिलीन, नेप्थेलिन, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो 2-3 एग्जाम्पल आप जो है वो लिख लेना। S1 से S0 के ट्रांजिशन में केवल 10⁻¹ सेकंड लगते हैं, मतलब बहुत कम सेकंड में इनका ट्रांजिशन जो है वो हो जाता है S1 से S0 में। तो फ्लोरेसेंस आपको समझ में आया। अब चलिए मैं क्या करती हूँ, इसका जो है वो मैं आप लोगों को एप्लीकेशन बताती हूँ कि इसके जो है वो क्या क्या उपयोग होते हैं, मतलब हम जो है वो कैसे जो है वो फ्लोरेसेंस का जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेसेंस। खाद्य पदार्थों, जैसे मैं इसे जो है वो पढ़ के बता रही हूँ, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है, इसे आप ऐसे ही लिख सकते हो। खाद्य पदार्थों की अवस्था की जांच में भी इस गुण का उपयोग किया जाता है। जैसे नए अंडों में यूवी लाइट डालने पर पिंक कलर की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है और खराब अंडे नीले दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि हमें किसी की, हमें खाने वाले पदार्थों की अगर हमें क्वालिटी चेक करना हो तो भी हम जो है वो इस टेक्निक का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास खराब अंडे हैं, अगर हम उसमें यूवी लाइट डालते हैं, मींस वहां से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणों का अवशोषण हो रहा है, तो वहां से जो भी हमारा प्रतिदीप्ति बाहर आएगा वो कौन से कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। लेकिन उसी जगह अगर हम खराब अंडे को रख दे तो वहां से जो हमारा प्रतिदीप्ति आएगा वो क्या होगा, वो जो है वो नीले कलर का दिखाई पड़ेगा। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा अंडा जो है वो सही है और कौन सा अंडा जो है वो खराब हो चुका है। तो ये सब चीज के लिए भी इसका यूज करते हैं। और सेकेंड चीज, यूवी लाइट के द्वारा अनेक प्रकार की स्याही में प्रतिदीप्ति अलग अलग उत्पन्न होती है, जिससे पुलिस द्वारा विभिन्न दस्तावेजों की जांच की जाती है। तो ये भी फॉरेंसिक साइंस वगैरह में या ये सब चीज में जो है वो यूज किया जाता है। तो इसे आप जो है वो याद करके लिख लेना। ईओसीन, फ्लोरेसिन आदि प्रतिदीप्ति सूचकों का उपयोग बहुत से
टाइट्रेशन जैसे अनुमापन जिसे हम टाइट्रेशन कहते हैं, जैसे कि अम्ल क्षार टाइट्रेशन में जो है वो इसका यूज किया जाता है, मतलब कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है ये पता लगाने के लिए भी हम जो है वो इस टेक्निक का यूज करते हैं। विभिन्न प्रतिदीप्ति लैंप, दवाओं, ईंधन, रंजकों के विश्लेषण आदि में इस टेक्निक का जो है वो यूज किया जाता है। तो ये जस्ट मैंने ऐसे बताया है, याद करके लिख लेना। अब हम जो है वो ये देखते हैं कि आखिर ये हम तो ये समझ गए कि फ्लोरेसेंस क्या होता है, बात आता है फास्फोरेसेंस की। तो चलिए ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये फास्फोरेसेंस जो है वो क्या होता है, जिसे हम स्फुरदीप्ति कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, प्रतिदीप्ति अलग है और स्फुरदीप्ति अलग है। तो पहला पॉइंट लिखिए, जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट S0 पर लौटता है तो उस समय कुछ रेडिएशन उत्पन्न होता है जिसे फास्फोरेसेंस कहते हैं। सेम गाइस, ये फ्लोरेसेंस के ही समान है, बस फर्क ये है कि हमारा फ्लोरेसेंस कहां से S1 से S0 पे हो रहा था, मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की ओर हो रहा था, बट जो हमारा फास्फोरेसेंस होगा वो क्या होगा, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से जो है वो आपके ग्राउंड स्टेट की ओर होगा, मतलब T1 से S0 के बीच जो है वो इसका ट्रांजिशन होगा और इस ट्रांजिशन के वक्त भी कुछ रेडिएशन जो है वो उत्पन्न होगा जिसे हम क्या कहते हैं, फास्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति कहते हैं। इसके नाम की उत्पत्ति फास्फोरस से हुई है, जैसे कि नाम देख रहे हो ना फास्फोरेसेंस, और फास्फोरस के वर्ड से जो है वो इसके नाम की उत्पत्ति हुई है, जो अंधेरे में भी चमकता है। यह मुख्य तथा ठोस पदार्थों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब जितने सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसी के द्वारा ही ज्यादातर ये फास्फोरेसेंस जो है वो देखा गया है। यह मुख्यतः यूवी रेस के द्वारा घटित होता है, मतलब जो हम रेडिएशन जो लाइट यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट होना चाहिए, उसी रेडिएशन को जो है वो ये अवशोषित करके अपना ये जो गुण है वो दिखाते हैं। इस घटना की कुल आयु पदार्थ की प्रकृति तथा समय पर निर्भर करता है, हमारा जो हम पदार्थ लिए हैं वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है। विभिन्न स्फुरदीप्ति वाले पदार्थों को मिश्रित कर देने से भिन्न रंग प्राप्त होते हैं, और स्फुरदीप्ति उत्पन्न करने वाले पदार्थ जो है वो कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, रूबी, एमराल्ड बहुत सारे हैं, तो ये भी आप याद कर लेना। तो फास्फोरेसेंस आपको समझ में आया क्या क्या होता है, T1 से कहां हो रहा है S0 में इसका जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है, रेडिएशन यहां से निकल रहा है, दोनों से रेडिएशन निकल रहा है। तो हम लोगों ने यहां पे चार चीज पढ़ा। पहला दो चीज में रेडिएशन नहीं निकल रहा था जिसे हम रेडिएशन लेस ट्रांजिशन कहते हैं, बाकी के दो चीज हम लोग देखे कि यहां से रेडिएशन जो है वो निकल रहा है। तो समझ आया आप लोगों को जेब्लॉन्स्की डायग्राम, बस इतना ही और कुछ भी नहीं है जेब्लॉन्स्की डायग्राम में, इतना आप लोग लिख देना, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो समझ आएगा इसे आप लोगों को आज का टॉपिक, पहला पार्ट जरूर देख लेना, नहीं तो सेकंड पार्ट पूरा ऊपर से गया होगा। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आपको समझ आया होगा, एंड फोटो केमिस्ट्री हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, आप बताओ इसके बाद मैं कौन से चैप्टर स्टार्ट करूं, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।